गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवता कृपणा चिन्मय आनंद धनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातृभ्यं नमो नमः। किस प्रकार हाथ में छाले पड़ गए हैं, किस प्रकार कष्ट होता है, सब बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सब कर लिए, साफ सफाई करना, पोता लगाना, सब कुछ, जिसका जिस प्रकार प्रिय उस प्रकार ही उसके लिए सब कुछ व्यवस्था। और स्वयं को खाने के लिए वर्णन है, जल के साथ बात करती थी, मिष्ठान बनाएंगे, खिलाएंगे, बड़े प्यार से सबको खिलाएंगे, लेकिन बचेगा नहीं कुछ उसमें से, बड़ा अच्छा बनाती थी ना, इसीलिए जमकर खाते थे, उनको खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। उसके बारे में भी कभी भी शिकायत नहीं की किसी से, शायद दिखा रहे हैं ये, हमें सोचना चाहिए भगवान भात जल सहित खा रहा हूं मैं, मेहरबानगी तुम्हारी, सिर्फ जल नहीं पीना पड़ता है मुझे, उसके साथ भात तो खा सकते हो, जो प्राप्त उसी में ही भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार से यहां जो दिनक्रम है ना, जो वर्तन है, कि जो कोई कहे वो सेवा पूर्ण रीति से करेगी, उसने कहा इसी प्रकार बहस नहीं, किसी प्रकार का भी प्रतिवाद नहीं, कुछ भी नहीं, सेवा 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 बस, और कुछ नहीं। एक दृष्टि से ये जो अवस्था है, इसकी तुलना श्रीमद् भागवत के जड़ भरत के साथ कर सकते हैं, लेकिन एक फर्क इसमें है, जड़ भरत एक व्रत की तरह इसका निभा करता था, ये इनका स्थायी भाव है ही, कोई साधना करके नहीं है, ऐसा स्थायी भाव ही है। आगे कहते हैं, एक बार इसने देख लिया रेवती बहू की स्त्री ने, फिर उसे भी ताज्जुब हुआ, पानी के साथ भात खा रही हूं, नहीं नहीं कल से मेरे साथ खाना खाना, मेरे लिए तो सब कुछ खिलाते हो ना, मेरे साथ खाना, कुछ बचाए रखो तुम्हारे लिए। ये है क्या, थोड़ा गौर से देखेंगे, जल के साथ भात खा रही है, भात सिद्धांत नहीं, भात अन्न है, और ये सिद्ध किया है, परिपक्व किया है, सिजाया है, तो भात सिद्धांत नहीं, और जल दले और अभेद जड़ है, एक प्रकार साधना दिखा रही है, साधना का अर्थ ही है, परब्रह्म तत्व का जड़ सहित स्वीकार। हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये जो करते हैं ये सब जड़ क्रिया ही है, सब जड़ क्रिया ही है, इसमें चेतन कुछ है नहीं। हाँ,
इस प्रकार क्या बाह्य जड़ता से थोड़ा अधिक कम जड़ उतना कर सकते, लेकिन है तो जड़ ही। इसी के साथ ही स्वीकार करना है ब्रह्म तत्व का, भगवान का। माने किसी मूर्ति के रूप में मैं देख रहा हूं, उनकी में चित्तवृत्ति लगा रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं, ये साधना कर रहा हूं, यहां जड़ के सहित ब्रह्म तत्व का स्वीकार। क्योंकि जड़ विरहित उसका स्वीकार हम कर नहीं पाएंगे, वो अवस्था है, वो अवस्था अपने आप आ जाएगी। तो ऐसी अवस्था में ये तो कुछ बातें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मां की लीला की हर एक बात हमें जीवन पथ दिखाती है। तो साधना का प्रारंभ ही है शांत रीति से, जो कुछ सामने आ जाते उसी का स्वीकार, किसी के बारे में शिकायत नहीं, मुंह से बात नहीं, सिर्फ स्वीकार और सेवा। इस प्रकार का बर्ताव अगर कोई करेगा तो अहंता कहां रहेगी। साधना इसलिए है ना, अहंता का उच्छेद करने के लिए। अगर यहां अगर कुछ अहंता बनी रहेगी, कुछ अपेक्षा बनी रहेगी, कुछ क्रोध रहेगा, तो निरपेक्ष रीति से अंतिम अवस्था तक पहुंचे नहीं सकेंगे। इसलिए अपने चरित्र में, लीला चरित्र में इस बात को ठीक ढंग से मां दिखाती है। उसके बाद एक लीला हुई है, भोलानाथ जी की एक विधवा बहन है, विधवा है इसलिए यहां आ गई है, बड़ी कुशल है, पाक कला में कुशल है और भी कई कलाओं में कुशल है, लेकिन है विधवा। तो खाना पकाने का काम वो कर रही है, तो उस घर का रिवाज ऐसा है, सात दिन में तीन पाव तेल से ज्यादा उपयोग करना नहीं। हां, ज्यादा करने की जरूरत पड़े तो फिर अगले हफ्ते में जब तेल आएगा तब वो उसका विनियोग, लेकिन हफ्ते में तीन दिन से तीन पाव से ज्यादा नहीं। तो ठीक है, मां की विशेषता हम ध्यान में आ जाती, व्यवहारिक दृष्टि भी देखो, सैद्धांतिक दृष्टि से भी देखो। तो लोगों को खिलाने में इसको भी बड़ा आनंद है, मटरी बुआ को, स्वयं अच्छा बना सकती है, प्रशंसा होती है लोगों के द्वारा, इसलिए बनाने में उत्साह आता है। एक दिन उसके मन में आया एक विशिष्ट सब्जी बनाए, ठीक है बनाए, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि तीन पाव तेल तो अब खत्म हो रहा है, इसलिए भाजी बनेगी नहीं, कुछ दिन बाकी है सप्ताह के लिए, फिर क्या करना। ये सब प्रेरणाएं मां की है, मां की विशेषता ये है, स्वयं मुंह से कुछ नहीं कहेगी। ओम भवता प्रणाशिन्ने आनंद नमोस्ते ज्ञान भक्ति सदाई मे मातस्तुभ्यं नमो नमः।